अब हमारा अगला तीर्थ है जहाजपुर जैन अतिशय क्षेत्र, जो कि कोटा देवली रोड पर स्थित है। जब प्रतिमा जी को खुदाई से निकाला गया था दोस्तों, तो वो इतनी भारी थी कि एक पूरी जेसीबी उस प्रतिमा को उठा नहीं पाई और वो झुक गई। लेकिन जब मंदिर लाने के लिए हुआ तो सिर्फ 4-5 लोगों ने ठेले पे विराजमान करके उनको मंदिर जी में ले आए, और जब फिर उनकी प्रतिमा को वेदी पे विराजमान करने की बारी आई तो वो फिर से किसी से नहीं उठी। कई 100-150 लोगों ने कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी, और जैसे ही स्वस्ति भूषण माता जी ने क्षेत्र पर कदम रखे, वो स्वस्ति मूर्ति हल्की हो गई और कुछ ही लोगों ने उठाकर उन्हें विराजमान किया। बाबा का ये मंदिर जहाजनुमा आकार में बना हुआ बहुत ही मनोहारी मंदिर है। जैसे ही प्रतिमा मनोहारी अक्षयकारी है, वैसा ही मनोहारी सफेद संगमरमर से बना मंदिर है। जैसे कि किसी राजा महाराजा का कोई महल होता है, ऐसी चमक, ऐसा अतिशय और कहीं देखने को नहीं मिलता। कहते हैं दोस्तों, एक बार जब कोटा से आए हुए कुछ लोगों ने वहाँ शाम को आरती की, तो आरती के समय बाबा की दाईं आँख से दिव्य ज्योति सी प्रकट हुई, जिसका साक्षी पूरा जैन समाज बना और वहाँ जय जयकार हुई। Thank you.